जोड़ा लगाते हैं ना तो क्या आपको उसी वक्त रिजल्ट आ जाएगा? जी, 2 महीने 3 महीने 4 महीने में रिजल्ट नहीं मिलेगा। जी जी, उसकी मैं एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि इस साल जो हमने जोड़ा लगाया था उसका रिजल्ट हमें 2024 में मिलेगा। जी जी, जब 2024 का जेट की हम तैयारी करेंगे तो इस साल लगे हुए जोड़े के बच्चे अगले साल काम करेंगे। ठीक है, वेलकम टू अजमान पिजन करम में हूँ आपका होस्ट आपका दोस्त आरव एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों हाजिर हूँ। जी दोस्तों, हमारे साथ है उस्ताद वकास। सर जी क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। आप सुनाएं आरव भाई? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। आपके साथ माशाल्लाह हमारे बेशुमार वीडियो हैं, हर हवाले से हैं, मेरे ख्याल से कोई चीज़ छोड़ा ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं कि जितने भी आपके व्यूअर्स हैं ना उन तक जो टूटा फूटा अपना नॉलेज है वो शेयर कर ले। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा नॉलेज है और बहुत फ़ायदा हुआ है माशाल्लाह हमारे देखने वालों को, और मज़ीद फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। जो उस्ताद के अपने प्रैक्टिकल किए हुए हैं वही बताते हैं, हमें दूसरों से कोई ताल्लुक़ नहीं। सर जी अपना जो शौक़ है उसी से जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं वही बताते रहते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है, अच्छा लगे तो करे, ना लगे तो ना करे, तंकीद ना करे, बस ये इस पे मुझे बहुत गुस्सा आता है। सर जी बात स्टार्ट करते हैं। हम अक्सर इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाते हैं और सीखने के लिए, ताकि हमारे नए शौकीनों को कुछ मिले सीखने के लिए। बात करेंगे ब्रीडर, जो ब्रीड करते हैं। आप लेते हैं माशाल्लाह एक ब्रीडर जोड़े से कितना ब्रीड लेते हैं, कितने बच्चे लेते हैं, उसके हवाले से बता दें और मज़ीद पर आगे सवाल करेंगे इंशाल्लाह। जी शुक्रिया आरव भाई। देखिए जो हमारा शौक़ है ना, जी शौक़ में क्या है कि एक सिस्टम के मुताबिक चलना होता है। जी हमारा सिस्टम ये है कि हम जब मार्च के एंड पे और अप्रैल के फर्स्ट वीक में जोड़े सब तोड़ देते हैं। जी ठीक है, जोड़ों को रेस्ट दे देते हैं और दोबारा हम जोड़े लगाते हैं तकरीबन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई और सेकंड वीक ऑफ जुलाई। जी वही जुलाई से चलेंगे तो टिल फिर मार्च तक चलेंगे। ठीक है, अब ये क्यों करते हैं कि जब हम ये जोड़े जुलाई में लगा देते हैं ना तो ये जोड़े लगेंगे, इनके बच्चे निकलेंगे, तो हमारा मेन मकसद क्या होता है कि कम से कम एक जोड़े से जो मिनिमम लेवल पे है ना आपने 8 बच्चे लेने हैं और मैक्सिमम आप 10 12 14 16 जितने भी बच्चे ले लें वो ले लें। उसकी वजह क्या है कि जब आप जोड़ा लगाते हैं ना तो क्या आपको उसी वक्त रिजल्ट आ जाएगा? जी, 2 महीने 3 महीने 4 महीने में तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। जी जी, उसकी मैं एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि इस साल जो हमने जोड़े लगाया था उसका रिजल्ट हमें 2024 में मिलेगा। जी जी, जब 2024 का जेट की हम तैयारी करेंगे तो इस साल लगे हुए जोड़े के बच्चे अगले साल काम करेंगे। ठीक है, फिर हम जोड़े जो लगा देते हैं तो बच्चे क्यों इतने निकलवाते हैं? 8 बच्चों की जरूरत क्या है? 10 12 की मेन बात यही होता है। वो क्यों जरूरत है? आप कहेंगे जी आपका जोड़े तो टेस्टेड है, आपके 2 बच्चे ही काफ़ी हैं, इसका मतलब है आपको अपने जोड़े पे इतमाद नहीं है। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। जी इशू है, बीमारी आती है, जी ऊपर से बाजबेरी का शिकार हो जाते हैं, जी कबूतर का कभी कुंदा लग जाता है, कभी कई चीज़ हिट कर जाती है, 100 इशू चलते रहते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक जोड़े के 8 से 10 12 बच्चे होंगे तो फिर भी आपको कांट छांट के बाद भी उस जोड़े के कम से कम 3-4 बच्चे तो मिल ही जाएंगे ना, मिल ही जाएंगे। और उन बच्चों का जब आप गर्मी में जेठ में रिजल्ट लेंगे तो आपको अपने जोड़े के बारे में भी पता लग जाएगा कि वाकई आपने जो जोड़ा लगाया है वो इस काबिल है कि उसके बच्चे जेठ में उठ सकते हैं, क्योंकि बेसिकली आपके पास जो क्वालिटी मेजर करने का जो पैमाना ना वो मैदान है। मैदान के बाद क्या होना जेठ है, और फिर जब आपने जेट और मैदान ये जब देख लेना है और इसमें आपने प्रैक्टिकल कर लेना है तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि मेरे घर में कौन सा कबूतर अच्छा है, कौन सा कबूतर आगे काम करने वाला है। ठीक है, और जो खून की पहचान होती है ना, ब्लड भी मैदान में पता लगता है। हाँ जी, जो अक्सर बोलते हैं ना अच्छा ब्लड। अब अच्छा ब्लड तो हमें नजर नहीं आता ना, वो मैदान में बताता है। तो जब आपने ये बच्चे छोड़े होंगे, 10-12 बच्चे छोड़े होंगे और उनमें से उनके 3-4 बच्चे जो उनसे हैं वो आगे निकल के आएंगे। और ज़रूरी नहीं है, एक बात जेहन में रखें, ज़रूरी नहीं कि ये नसीब की बात होती है कि कौन सा कबूतर स्टंप खाएगा, मगर जो कबूतर आपके पास फड़कों में 25-30 फड़के निकाल गया है वो अच्छा है। वो कबूतर जो आपको एक लेवल की फड़कें दे रहा है, यानी बैठ ही रहा है 4-5 बजे के बाद और कंटिन्यूसली इस सिस्टम में चल रहा है, वो कबूतर बहुत अच्छा है। वो कबूतर जो आके जल्दी संभाली कर रहा है, अपने जिस्म का वेट बराबर कर रहा है, अपना हाजमा सही रखा हुआ है, खुराक को सही टाइम पे हजम कर रहा है, वो कबूतर अच्छा है, वो जोड़ा अच्छा है जिसका वो बच्चा है। ठीक है, फिर अगले साल क्या आप उसी जोड़े को फोकस करेंगे, ठीक है, उसके बच्चे ज़्यादा लेंगे फिर जो बच्चा आपके पास अच्छा परफॉर्म करेगा उसको भी आप जोड़े में लेके जाएंगे। तो ये एक बी प्रैक्टिकल हो के जब आप करते हैं काम तो फिर आपको आगे रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। तो मेरे जितने भाई जो चैनल देख रहे हैं मशवरा यही है, जल्दबाजी ना करें, जोड़े को टाइम दें जी जरूर, जोड़े को तोड़े मत, कम से कम 8 बच्चे तो ले उसके बाद आप जोड़े। सर जी एक और बात ऐड करते हैं ताकि उनके लिए, अभी एक जोड़ा आप 8 बच्चे ले रहे हैं ठीक है ना, तो उनमें से अगर एक शाम उड़ रहा है बाकी 8, 9, 10 बजे तक उड़ रहे हैं तो वो जोड़ा भी कामयाब है। बिल्कुल काम, देखें बात यह है कि जो उड़ाने वाला ना उसको बेहतर पता है, बाहर वाले बंदा सिर्फ एक आइडिया दे सकता है, जो बंदा छत पे बैठा है जो अपने कबूतरों को कंट्रोल कर रहा है जिसको ये पता है कि मैंने क्या सोच के जोड़ा लगाया था वही बेहतर उससे रिजल्ट ले सकता है। मैं सिर्फ आइडिया दे सकता हूँ। मेरे साथ खलीफा बोली ये भी आपको थोड़ा सा गाइड कर देंगे। बोली जोड़े के बारे में बता रहे हैं कि जोड़ा लगाएं तो कितने बच्चे लेने चाहिए और क्यों लेने चाहिए। आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें। उस्ताद वकास ने अपना एक्सपीरियंस दे रहे हैं, आप अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि हर आप दोनों का अपना अलग अलग छत है, आप अलग उड़ाते हैं वो अलग उड़ाते हैं ठीक है ना, एक्सपीरियंस भी अलग होता है हमेशा, जो प्रैक्टिकल आपका अलग होता है उस्ताद के अलग होते हैं। तो जोड़ा जब लगाएगा तुमको जोड़े का रिजल्ट लेना है, कम से कम 8 बच्चा छोड़ना चाहिए, 8 बच्चे छोड़ना चाहिए, 8-10 हो जितना भी हो छोड़ना चाहिए। बीमारी भी आती है, बच्चा खराब भी हो सकता है। और दूसरा बात ये है अगर तुमने बाहर बच्चा चोरा हुआ है जी, बच्चा जाया भी हो सकता है जी। फिर अगर तुमने 8-10 चोरा हुआ, अगर एक गया या एक खराब हो गया या 2 गए, उसमें तो दूसरे भी है ना, अगर वो दूसरों में अगर रिजल्ट नहीं निकला तो समझो तुम्हारा जोड़ा फेल है। अगर 10 तुमने चोरा है उसमें कम से कम अगर पास या फेल करने जोड़ा, अगर 10 तुमने चोरा है उसमें कम से कम 10 में 3-4 जो तुमको अच्छा रिजल्ट देगा फिर तुम्हारा जोड़ा पास है। अगर तुमने एक जोड़ा का बच्चा 10 चोरा हुआ है, एक ही खाली उड़ रहा है बाकी 9 ऐसे ही 10-9 वैसे तो जोड़ा का यानी अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा। सब तो एक जैसा नहीं होते हैं, 10 भी तुम चोर हो ना, 10 शाम तक तो नहीं जाएंगे। अगर 1 या 2 हो रहे हैं शाम तक, बाकी यानी मीडियम थे 2-3 बजे तक जा रहे हैं, तुम्हारा जोड़ा पास है। अगर 1 ही हो रहा है अच्छा बाकी 9 नहीं हो रहे हैं तो फिर वो फेल है। फिर इसलिए अगर जोड़ा लगाना है, जोड़े का रिजल्ट देना है तो कम से कम 8-10 बच्चा छोड़ना चाहिए जो एक जोड़े का, ये उस्ताद जी यानी जोड़े का कामयाब जोड़ा लगाना और इससे रिजल्ट लेना, ये तरीका है चेक करने का। मैदान है, मैदान में उड़ाओ तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट गर्मी का बात कर रहे हैं कि अच्छा मौसम में तो सभी पास होते हैं। हाँ उड़ाते हैं जो गर्मी में ले आप इंशाल्लाह, गर्मी में जो अच्छा रिजल्ट देगा वो तो फिर तुम्हारा माशाल्लाह अच्छा जोड़ा, फिर कपों में भी अच्छा रिजल्ट आएगा। सर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया। इंफॉर्मेशन वीडियो हर वक्त बनाते हैं आपके साथ, अपना कीमती वक्त देते हैं। जाते जाते यही कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें।